प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार को लेकर शून्य सहिष्णुता है। बुरसी के बारूद फैक्ट्री में विस्फोट के बाद मलबा हटाने का काम पूरा, मलबे में मिले मानव अंगों का कराया जाएगा डीएनए टेस्ट। सर्व आदिवासी समाज ने कथित फर्जी पीडिया एनकाउंटर के विरोध में आज जगदलपुर, बीजापुर और सुकमा में किया एक दिवसीय बंद। और आज मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने दुर्ग सहित प्रदेश के अन्य जिलों में किए गए कई आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं अंकित मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार को लेकर शून्य सहिष्णुता है। उन्होंने कहा कि सरकार साक्ष्य पर आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करती है, न कि किसी धारणा पर। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब बड़े आरोपी पकड़े जा रहे हैं तो निहित स्वार्थों पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा है कि उनकी सरकार के हर निर्णय में केंद्र में सबसे पहले देश है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लोगों के खाते में सीधे हस्तांतरित की गई है। मोदी जी, अब लगभग आखिरी दौर आ गया है चुनाव का, क्या जो आपने लक्ष्य तय किया था 400 पार का, आपको लगता है कि वो पार हो रहा है? क्योंकि विपक्ष तो कन्विंस्ड है कि ऐसा नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं कि 220 240 होगा। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। प्रधानमंत्री जी, आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा इस बार कैसे बन गया? आप तो माइक्रोचिप्स और मैन्युफैक्चरिंग, इस पे बात हो रही थी, लेकिन आपको बार बार हम आरक्षण पे बात करते हुए क्यों देखना पड़ रहा है? मुझे नहीं करना पड़ रहा है, मुझे सचेत करना है मेरे एससी एसटी ओबीसी और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। कि आज मान लीजिए कोई कहीं पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज में कौन ब्रिज बनाएगा? तो जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, जो परफॉर्म कर सकता है, सारे उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी करता है, उसमें कंपटीशन होती है और कंपटीशन में जो निकलता है उसको टेंडर मिलता है। ये कहते नहीं, ये सब बाद में। अब मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से सिर्फ धर्म के आधार पर कोटा दे देंगे, वो ब्रिज बनेगा, लोग मारे जाएंगे, तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या वोट बैंक के लिए आप आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अंतर्गत हमारा उद्देश्य स्वदेशी प्रतिभा को बढ़ावा देना और रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है। उन्होंने नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को समझने और उनके सपनों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक मंच प्रदान करने पर बल दिया। बेमेतरा जिले के बुरसी स्थित बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट मामले में उद्योग व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने उद्योगों की विशेष सुरक्षा जांच करने के निर्देश दिए हैं। श्री देवांगन ने विस्फोटक और ज्वलनशील सामग्रियों का उत्पादन या प्रयोग करने वाले उद्योगों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों के हित में कार्य करना है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कार्यस्थल पर आवश्यक उपाय सुनिश्चित करना है। इस मामले में उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर चर्चा की है। गौरतलब है कि शनिवार की सुबह जिले के बोरसी स्थित बारूद फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, वहीं 8 लोग लापता थे। इनमें से अभी तक किसी भी व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है।
विस्फोट के बाद मलबा हटाने का काम पूरा हो गया है और मलबे के नीचे कई मानव अंग मिले हैं जिनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इस मामले में राज्य सरकार की घोषणा के बाद मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई थी। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा भी लापता और मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई है। बीजापुर जिले के पीडिया के जंगल में बीते 10 मई को पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ को सर्व आदिवासी समाज ने फर्जी बताया है। आदिवासी समाज ने कथित फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ बंद करने का ऐलान किया है। इसी के मद्देनजर जगदलपुर, बीजापुर और सुकमा में सुबह से बंद का असर देखा जा रहा है। आदिवासी समाज के बंद को समर्थन देते हुए कांकेर और बीजापुर में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। वहीं सड़क पर भी लोगों की आवाजाही कम दिखी। सर्व समाज के लोगों ने पीडिया मुठभेड़ के खिलाफ बंद को लेकर बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी समर्थन देने के लिए पत्र लिखा है, जिसके तहत सहमति देते हुए आधे दिन के लिए व्यापारियों ने अपनी दुकानों से लेकर प्रतिष्ठानों को बंद करने की बात कही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दादू, आपका तारा मतलब बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बेल, मुझे मार मतलब मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जन जन के आदेश जनादेश में देखिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर जनता का आदेश। तीन चरणों के चुनाव के बाद 220 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। 4 जून को देखिए हमारे साथ सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है और यह दिवस मासिक धर्म से जुड़े अंधविश्वास को मिटाने और सभी के लिए सुलभ मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के पक्ष में एक वैश्विक आंदोलन को दर्शाता है। इस वर्ष का विषय है पीरियड अनुकूल विश्व। विश्व महावारी दिवस के अवसर पर देश सहित प्रदेश में भी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में महिलाओं के लिए अनेक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग जिले के अनुभूति श्री फाउंडेशन ने रेलवे स्टेशन में एक कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं और बालिकाओं को महावारी की समस्याओं से अवगत कराया। जिला मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में पदस्थ मातृत्व और स्वास्थ्य नोडल अधिकारी डॉक्टर अर्चना चौहान ने बताया कि कार्यक्रम में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को सावधानियां बरतने की जानकारी दी गई है। जन जागरूकता तो एक तरीके से सभी लोग कर रहे हैं, परंतु इसके साथ में ये ज़रूरी है कि महिलाओं को कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आज का जो वर्तमान समय में है उसमें ये है कि लड़कियों की जो फर्स्ट पीरियड्स आने की उम्र भी घट गई है, तो कई लड़कियां ऐसी रहती हैं जो छोटी उम्र में ही उनको पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। वो उतनी अच्छे तरीके से अवेयर नहीं रहती हैं कि पर्सनल हाइजीन का, साफ़ सफाई का किस तरीके से ख्याल रखा जाए। स्कूलों में ऐसी क्लासेस होनी चाहिए, स्कूलों में उन्हें सैनिटरी पैड्स, डिस्पेंसिंग मशीन्स अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि अगर उन्हें आवश्यकता पड़े तो स्कूल्स में अपने टीचर के मार्फत से वो इसका उपयोग कर सकें। दूसरा जो है कि उन्हें हर लेवल पे, चाहे वो स्कूल गोइंग गर्ल्स हो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, आम महिला हो, घरेलू महिला हो, वर्किंग महिला हो, इसे एक साफ हाइजीन, एक वॉशरूम उपलब्ध कराया जाना चाहिए जहां पर उसे पीरियड्स के पैड्स के चेंजिंग करने की फैसिलिटी उपलब्ध हो सके। अनुभूति श्री फाउंडेशन की अध्यक्ष डिंपल कौर ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 7 वर्षों से महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कार्य कर रही है।
वैश्विक महावारी दिवस है, तो इस उपलक्ष में मैं सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को बहुत ढेर सारी बधाइयां शुभकामनाएं देना चाहती हूं। चूंकि हमारी संस्था पिछले 7 वर्षों से इसी विषय पे काम कर रही है, महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए और विशेषकर महावारी से जुड़े संबंधी जानकारी एवं जागरूकता के लिए कार्य कर रही है, और अभी तक हमने 7.5 लाख निःशुल्क सैनिटरी पैड बांट चुके हैं जो कि इको फ्रेंडली है, और हमारी टीम नक्सलाइट एरिया और 4 राज्यों में भी काम कर रही है। गौरतलब है कि इस दिवस को मनाने की पहल वर्ष 2013 में जर्मनी आधारित गैर सरकारी संगठन वॉस यूनाइटेड द्वारा की गई थी। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दुर्ग जिले के युवाओं ने सकारात्मक पहल करते हुए जिले के करीब लोगों को भरपेट भोजन कराने का बीड़ा उठाया है। युवाओं का यह संगठन पिछले 4 सालों से जरूरतमंद लोगों की मदद कर समाज में मानवता की एक मिसाल पेश कर रहा है। जरूरतमंदों की मदद करना और उनके साथ खुशियां बांटना दुर्ग जिले के रहने वाले इन युवाओं ने अपने जीवन का उसूल बना लिया है। युवाओं का ये संगठन गरीब और जरूरतमंदों को भूखे पेट नहीं सोने देता। हम बात कर रहे हैं दुर्ग जिले के सामाजिक संगठन जन समर्पण के इन युवाओं की। बीते 4 सालों से ये युवा हर दिन जरूरतमंदों के पेट भरने का काम कर रहे हैं। अब तो ये इनकी दिनचर्या बन गया है। अपने नाम के ही अनुरूप ये संगठन समर्पण भाव से इस पुनीत कार्य को अंजाम दे रहा है। जन समर्पण सेवा संस्था पिछले 7 सालों से 1 जनवरी 2017 से अनवरत ठंडी गर्मी बरसात होली दीपावली कोई भी त्यौहार हो अनवरत यहाँ पे भोजन सेवा करते हैं। इसके अलावा हम लोग जहाँ भी फुटपाथ में जिनको रात में खाना हम लोग वितरित करते हैं जिसमें 25-30 लोग रहते हैं वर्षाओं के आसपास के दुर्ग जिला में जितने भी हैं अनाथ आश्रम है संस्था है जो भी है वर्षा होता है वह बेसहारा लोग रहते हैं उन लोग को हम लोग नए कपड़े मिठाई त्यौहार के हिसाब से हम लोग वितरित करते हैं वर्षा के सर होता है। उसके बाद मेडिकल के हिसाब से व्हील चेयर वगैरह हो गया बेड रेस्ट के लिए जो सुविधा रहती है वो भी सुविधा मुहैया कराते हैं निःशुल्क। हर दिन सुबह सवेरे शहर के अलग अलग स्थानों रेलवे स्टेशन बस स्टॉप इत्यादि पर ये युवा पहुंच जाते हैं और अपने हाथों से जरूरतमंदों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन परोसते हैं। इनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी कारणों से भूखा नहीं सोना चाहिए। अब बर्तन भाड़ा रहता है ना हमारे पास तो हम खुद बना के भी खाते हैं। हाँ कभी कभार खाता हूँ। कैसा खाना रहता है यहाँ क्या क्या रहता है? ठीक रहता है खाना यहाँ थोड़ा सा वही नमक की कमी है बस और कुछ नहीं नमक का सब्जी। हाँ हाँ सब्जी में बस। सिर्फ इतना ही नहीं ये युवा इन्हें इनकी जरूरत का सामान भी देते हैं। संगठन के युवा जरूरतमंदों को उनकी जरूरत के हिसाब से कंबल पैसाखी व्हीलचेयर आदि उपलब्ध कराने के साथ ही उनका इलाज भी करवाते हैं। यहाँ भोजन करने वाले बताते हैं कि वो कई वर्षों से भोजन कर रहे हैं और इससे उन्हें बड़ी राहत भी है। हम लोग को 7 साल हो गया बहुत दिनों से ये खाना हमको अच्छा अच्छा मिलता है खा रहे हैं और गुजर बसर भी यहीं करते हैं। यहाँ बहुत दिन से खा रहे हैं कई साल से खा रहे हैं प्यार कट गया है मेरा अब बस आके उसकी लाग देते भैया लोग भी मेरे को चलता फिरता हूँ। कैसा खाना रहता है? हाँ अच्छा रहता है खाना भी अच्छा लगता है। हाँ अच्छा मिलता है क्या मिलता है? हाँ चावल दाल सब्जी वब्जी सब चीज। युवाओं के इस बेहतरीन प्रयास को देखते हुए अब समाज के अन्य लोगों का भी इन्हें सहयोग मिल रहा है। हमको बहुत प्रोत्साहन मिला और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं बंटी भैया बहुत ही नेक काम हो रहा है। इसमें हम लोग चाहते हैं कि जितना हमसे सहयोग हो सका हम करेंगे समाज की तरफ से खंडेलवाल समाज। इसे युवाओं का जज्बा ही कहेंगे कि इतनी व्यस्त दिनचर्या से भी वक्त निकाल कर ये युवा बाल संप्रेषण गृह में रहने वाले बच्चों के साथ समय समय पर खुशियों का पर्व भी मनाते हैं। उनके द्वारा बच्चों और बुजुर्गों को कपड़े मिठाइयाँ और पटाखे इत्यादि मनोरंजन की चीजें भी दी जाती हैं। जन सेवा के प्रति इन युवाओं का ये समर्पण समाज के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणाप्रद है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।